हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली फ्लिपकार्ट पे नया मोबाइल सेल जो स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है यहाँ पर फ्लिपकार्ट मंथ एंड मोबाइल फेस्ट सेल। एंड आज की वीडियो में ये सेल में से आपको 10 बेस्ट स्मार्टफोन डील के बारे में बताने वाला हूँ। बैंक ऑफर वगैरह भी सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल डेट के बारे में। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है। मेरे हिसाब से 25 अप्रैल तक के आपको देखने को मिलेगा। बैंक ऑफर की अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास में ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है। मैक्स डिस्काउंट जो आपको 750 रुपीज़ का देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे फ़ोन में 2000 रुपये भी मिल रहा है। कोई कोई अलग बैंक के कार्ड पर भी ऑफर है। तो आगे चल के मैं आपको ऑफर भी बताऊंगा। बैंक ऑफर जो अलग अलग मिल रहा है उसकी भी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दे देता हूँ। 10 बेस्ट स्मार्टफोन डील यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले डील है यहाँ पर Redmi 10 स्मार्टफोन पे। एक्चुअल प्राइस पॉइंट है इसकी 11,000 रुपए, लेकिन आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, 1,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। जो इसका बेस वेरिएंट है 464 वाला, आपको मिलेगा 10,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। वो प्राइस पॉइंट पे मैं बोलूंगा बैलेंस स्मार्टफोन है। स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट मिल जाता है, 6.7 इंच का एक बड़ा सी डिस्प्ले मिलता है। HD+ रेजोल्यूशन जरूर है, लेकिन जो आप बोल सकते हो मूवीज वगैरह देखने के लिए काफी सही रहेगा। प्लस कैमरास वगैरह डिसेंट है। 6000mAh की बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो 10,000 रुपए में बैलेंस स्मार्टफोन में कहूंगा, देखना चाहते हो देख सकते हो। नेक्स्ट डील है यहां पर बहुत ही कड़क डील है सैमसंग लवर लोग के लिए। ये आपका मिलता है सैमसंग F22 स्मार्टफोन पे। जी हां, इसकी जो 464 वाले वेरिएंट की एक्चुअल प्राइस पॉइंट है वो है 12,000 रुपए, लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, 2,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। इफेक्टिवली आपको F22 सिर्फ मिलेगा 10,000 रुपए में। वो प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि यहां पर आपको 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। HD+ रेजोल्यूशन जरूर है, लेकिन जो क्वालिटी है काफी तगड़ी है। साथ में यहाँ पर आपको हीलियो G80 की परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी डिसेंट है 10,000 रुपए के हिसाब से देखते हो तो। कैमरास वगैरह जनरली सैमसंग के फोन के अच्छे रहते हैं, वो मिल जाता है। वन UI वगैरह आपको देखने को मिलता है। 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 15W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप सैमसंग लवर हो, 10,000 रुपए के आसपास का बजट है, F22 डेफिनेटली देख सकते हो। नेक्स्ट डील है यहाँ पर रेडमी नोट 10T 5G। आप कह सकते हो इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन करंटली बिक रहा है। एक्चुअल प्राइस पॉइंट है 13,000 रुपए, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे जो है 1,750 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है एंड 500 रुपए का प्रीपेड का डिस्काउंट है। तो कुल मिला के आपको 2,250 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो इफेक्टिवली 10,750 रुपए में परचेस कर पाओगे एंड डेफिनेटली रिकमेंडेड है, क्योंकि 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, डायमेंसिटी 700 वाला 5G चिपसेट है, 48MP का कैमरा सेटअप मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है एंड फास्ट चार्जर भी बॉक्स में देखने को मिलता है। तो भाई, अगर आपका 5G स्मार्टफोन लेना है एंड अराउंड 10,000 रुपए 11,000 रुपए के आसपास का बजट है, चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है, बेस्ट है, डेफिनेटली इसकी तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट डील की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आता है Xiaomi 11i 5G स्मार्टफोन पे। इसके 698 वाले वेरिएंट के एक्चुअल प्राइस पॉइंट है 25,000 रुपीज, लेकिन 1,000 रुपए का यहाँ पर आपको बैंक ऑफर मिल रहा है एंड 4,000 रुपए का यहाँ पर एक्सचेंज का ऑफर चल रहा है। तो अगर आप एक्सचेंज कराते हो एंड बैंक ऑफर भी लगाते हो, इफेक्टिवली 5,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ में आपको मिलेगा 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए में हाईली रिकमेंडेड है 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, डायमेंसिटी 920 वाला 5G चिपसेट, अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाता है, बैटरी लाइफ अच्छी है, 67W का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, 20,000 रुपए में हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है भाई, ये बहुत ही तगड़ी डील है बजट में, इन्फिनिक्स नोट 11। इसके एक्चुअल प्राइस पॉइंट अराउंड 12,500 रुपए की थी 464 वाले वेरिएंट की, लेकिन ऑफर में आपको सिर्फ मिल रहा 10,500 रुपए में एंड उस पर भी अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, सिर्फ मिलेगा 9,750 रुपए में। वो प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन डील कहूंगा ऑलराउंडर के हिसाब से, क्योंकि यहां पर आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में हीलियो G88 की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। कैमरा वगैरह 50MP का ट्रिपल लेयर कैमरा है, प्लस 5000mAh बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है 9,750 रुपए में। एब्सोल्युटली एक्सीलेंट डील है, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील है, ये भी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, पोको M4 Pro 4G, जो कि AMOLED डिस्प्ले के साथ में आता है, जिसका 664 वाले वेरिएंट जो बेस वेरिएंट है, एक्चुअल प्राइस पॉइंट है 15,000 रुपए, ऑफर में आपको मिल रहा है सिर्फ 14,000 रुपए में। एंड अगर आपके पास में एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उससे पेमेंट करते हो, मिलेगा 13,000 रुपए में। तो 13,000 रुपए में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन कहूंगा, AMOLED डिस्प्ले के साथ में। यहाँ पर आपको हीलियो G96 की तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में AMOLED डिस्प्ले मिलता है, वो भी फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। कैमरा सेटअप आपको 64MP का मिल जाता है, 5000mAh बैटरी, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, आयर ब्लास्टर, 33W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स, इनसेन डील है, 13,000 रुपए में हाईली रिकमेंडेड है, देखना चाहते हो देख सकते हो। नेक्स्ट
इसी लिए यहाँ पर मोटो की तरफ से मोटो G31 पे जो इसका 464 वाला वेरिएंट आप देख सकते हो, ये मेरा फेवरेट डिवाइस है, कॉम्पैक्ट भी है, बैलेंस स्मार्टफोन कह सकते हो। 13,000 रुपए में एक्चुअल प्राइस पॉइंट है, लेकिन ऑफर में मिल रहा है सिर्फ 11,500 रुपए में। एंड अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लगा तो 750 रुपए का और डिस्काउंट है, तो इफेक्टिवली मोटो G31 आप ले पाओगे 10,750 रुपए में। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन विद स्टॉक एंड्रॉइड एंड एमोलेड डिस्प्ले है। एमोलेड तो मिल रहा है, स्टॉक एंड्रॉइड भी एड ब्लॉटवर बिल्कुल भी नहीं है। G85 डिसेंट परफॉर्मेंस देता है, कैमरा 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल एड कैमरा है, डिसेंट कहूंगा, बैटरी लाइफ अच्छी है, 20 वॉट का टर्बो चार्जर मिल जाता है। तो 13,000 रुपए में तो वैल्यू फॉर मनी था ही, बट फॉर 10,750 रुपीज एक्सीलेंट डिले, हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका बड़ा भाई मोटो G71 5G 698 वाले वेरिएंट के एक्चुअल प्राइस पॉइंट है 19,000 रुपीज, बट यहाँ पर ऑफर में आपको मिल रहा है सिर्फ 18,000 रुपए में। एंड एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लगा तो 750 रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा, इफेक्टिवली आप ले पाओगे 17,250 रुपए में। वो प्राइस पॉइंट पे तगड़ा 5G स्मार्टफोन विद कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर मैं कह सकता हूँ। एक तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, प्लस यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है, एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट है, 13 5G बैंड का सपोर्ट मिल जाता है, कैमराज वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, स्टॉक एंड्रॉइड है, बैटरी लाइफ अच्छी है, 33 वॉट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो मोटो G71 5G 19,000 रुपए में मैं बोलूंगा ठीक था, बट फॉर 17,250 रुपीज एक्सीलेंट डिले, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डिले यहाँ पर अल्ट्रा बजट वाले लोगों के लिए या तो माइक्रोमैक्स की तरफ से In2B जो 464 वाला वेरिएंट है, पहले आपको बिना ऑफर के 9,000 रुपए का मिल रहा था, लेकिन ऑफर में सिर्फ मिल रहा है 8,500 रुपए में, प्लस एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाओगे 750 रुपए का डिस्काउंट है, आपको मिलेगा सिर्फ 7,750 रुपए में। वो प्राइस पॉइंट पे हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये प्राइस पॉइंट पे आपको 464 प्रोवाइड करा रहा है। 464 तो मिल रहा है, यूनिसॉक का T6 110 वाला चिपसेट मिल रहा है, जो कि हीलियो G70 के आसपास की परफॉर्मेंस देता है, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है, कैमरास ठीक ठाक है, स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस मिल जाता है, बड़ा डिस्प्ले 6.5 इंच का, बड़ी बैटरी है 5000 mAh की। तो डेफिनेटली 7,750 रुपए में बैंक कार्ड के साथ में अगर आप लेते हो ले सकते हो, बजट के हिसाब से काफी सॉलिड डील है। एंड गाइस इसके अलावा 25 अप्रैल को यहाँ पर मोटो अपना मोटो G52 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला आप देख सकते हो, मैं कुछ टाइम से एज माय प्राइमरी डिवाइस से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 25 तारीख को आपको डेफिनेटली ये स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो स्टे ट्यून करना, जबरदस्त स्मार्टफोन मैं कह सकता हूँ 15,000 रुपए की रेंज में आपको मिलेगा। डिस्प्ले हो चाहे बिल्ड क्वालिटी हो, इन हैंड फील हो, लाइट वेट हो, सारी चीज़ें जो है 25 तारीख को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो डेफिनेटली 15,000 रुपए के आसपास का बजट है, मंडे तक के वेट करना। तो गाइस ये 10 बेस्ट स्मार्टफोन डील्स थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। हाँ, बड़े स्मार्टफोन पे तगड़े वाले डिस्काउंट तो नहीं आए, लेकिन जो 10-12,000 रुपए की जो कैटेगरी के स्मार्टफोन है अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं। डेफिनेटली ये जो मैंने आपको डील रिकमेंड कराओ, इसमें से कोई डील अगर आपको अच्छी लगती है देखना चाहते हो देख सकते हो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ में। वैसे कैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको डील्स कैसी लगी, इसमें से कोई डील को आप ग्रैब करोगे नहीं करोगे, कुछ क्वेरीज है कुछ क्वेश्चन है सेल के रिगार्डिंग मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।